हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप गलती कर जाओ ना यहाँ पर ही, तो कार बाइंग एक्सपीरियंस के आने वाले कई सारे साल ना आप रिग्रेट ही करते चले जाओगे। ये सबसे ज़रूरी डिसीजन हो जाता है कि जब आप कार खरीद रहे हो, आपको लेनी कौन सी कार है, आपको जो साइज़ होता है कार का वो क्या लेना है, आपको एक हैचबैक लेनी है, आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है या फिर आपको सेडान लेनी है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्विकली एग्जाम्पल भी दे दूंगा। जो अपनी हैचबैक्स होती हैं उसमें अपनी आ जाती है i20, स्विफ्ट, ग्रांड, i10, या फिर अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, यहाँ पे आ जाता है ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू। अब दोस्तों जो कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान का सेगमेंट है ना, यहाँ पर थोड़ी सी और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं अमेज और स्विफ्ट डिजायर की बात करता हूँ, ये कॉम्पैक्ट सेडान्स है। एक्चुअल सेडान्स जो है वो जाती है अपनी वर्टस, होंडा सिटी या फिर स्कोडा स्लाविया। और अगर मैं मिड साइज एसयूवी की बात करूँ जो आपको और अच्छी वाइब देती है, वहां जाती है क्रेटा, ग्रैंड विटारा या फिर अपनी होंडा की एलिवेट। तो एक अच्छा कार का साइज चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके कंफर्ट के हिसाब से भी और आपके आने वाले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी। मैं आपको सारी चीजें ब्रीफली बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके बाकी यूट्यूब चैनल आपसे पैसे चार्ज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों कार डिजाइन्स की या फिर कैटेगरीज की, कि भाई सेडान वर्सेस कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्सेस आपकी हैचबैक्स, तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो ना जिसको ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ज़्यादा प्यारे चाहिए कार के, यू एक्चुअली वांट टू फील कि कार ड्राइविंग प्लेजर होता क्या है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेडान्स की तरफ। और जिस प्लेजर की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे होंडा अमेज या फिर डिजायर में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा होंडा सिटी, वर्टस या स्लाविया में। हो सकता है आपका बजट कम हो, इनफैक्ट वरना भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, वरना का मैं नाम लेना भूल गया था। तो अगर आपका बजट कम है तो थोड़ी सी फीलिंग आपको फिर वहां पे डिजायर या फिर होंडा की अमेज में आ सकती है। सो क्या आपको सेडान लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना सेडान्स के साथ सबसे बड़ी, कि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होती है। तो इंडिया में जो लोग तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, स्पेशली जो बिल्कुल अर्बन एरियाज में रहते हैं जहां पर टूटे फूटे रोड नहीं है, स्टेबल रोड्स है सारी की सारी और इक्वल बना हुआ है, और आप कोई ऐसे हिली एरियाज में या फिर पहाड़ों में ड्राइव नहीं करते जहां पर आपको प्रॉब्लम आए, तो उस केस में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है और इजी टू मेंटेन होती है। हालांकि मैं यहाँ पे इजी टू मेंटेन में बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट सेडान की, डिजायर, अमेज या फिर ऑरा की। पर अगर आप ऊपर की कैटेगरीज में जाते हो, होंडा सिटी या फिर स्लाविया या फिर अपनी वर्टस, तो इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा है और जो ब्रांड होता है ना उस पर भी ये फैक्टर लागू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, सबसे कॉस्टली मेंटेनेंस हो जाएगी आपकी स्कोडा और फॉक्सवैगन की, वर्टस और स्लाविया की। इनका प्राइस भी ज्यादा है और यहाँ पर उसके बाद ना इनकी मेंटेनेंस तो और भी ज्यादा है। इनके पार्ट्स की कॉस्ट तो भाई बिल्कुल ही माशाल्लाह, और सर्विस कॉस्ट भी ज्यादा है। अगर आपको फिर भी एक अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स प्लेजर लेने हैं और आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, उसके नीचे अपनी होंडा सिटी और वर्ना आती है। वर्ना ने तो खैर रिसेंटली 5-स्टार ग्लोबल एंड कैप भी अचीव कर लिया, इवन वर्टस और स्लाविया भी 5-स्टार ही है वैसे। सो आप समझ रहे होंगे कि सेडान्स का रोल कहाँ प्ले होता है, नीचे होके चलती है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कार की हाइट भी कम है, तो बहुत ही प्यारी स्पीड में भागती हैं ये कार्स, बहुत अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स कार के होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, बेयर मिनिमम चांस होता है कि कभी टर्न करते टाइम हायर स्पीड में ये कार पलट जाए, ऑलमोस्ट जीरो ही पॉसिबिलिटी है कोई अगर भाई बिल्कुल ही 160-170 पे ना सडन टर्न मार दे। अदरवाइज इनके टर्निंग में जो एक एक्सीडेंट की या फिर जो एक स्टेबिलिटी लूज करने के चांसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अब दूसरे पॉइंट में मैं आपसे बात करना चाहूंगा इंडिया का सबसे पॉपुलर सेगमेंट जो कि हो जाता है कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में ना इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, यहाँ पर 3XO है, ब्रेजा है, नेक्सॉन है, पता नहीं कौन कौन सी कार्स हैं। हमारे चैनल पे आपको काफी वीडियोस मिलेंगी अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में जानना चाहते हो, उसको एक्सप्लोर कर लेना। तो इस सेगमेंट की खासियत क्या है ना, यहाँ पर आपको जो कैबिन रूम मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, हाइट स्पेशली काफी मिलती है अंदर बैठने के बाद, जो आपका हेडरूम होता है वो काफी अच्छा होता है। आपके अंदर बैठने के बाद जो मैं बोलूंगा एक कंफर्ट होता है, शोल्डर रूम भी काफी अच्छा मिल जाता है आपको, खुला खुला लगता है, एयरी लगता है, ब्रीदी कैबिन लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे तगड़ा फैक्टर है, इन कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है। सोनेट, नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, इन सबकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। और इन कार्स का जो फैक्टर होता है ना, ये आपको कमांडिंग पोजिशन बहुत अच्छी देते हैं। जैसे सेडान में आप नीचे को होके बैठोगे सो नीचे से विजिबिलिटी आएगी, इसमें क्या होता है ना आप ऊपर को होके बैठते हो और आपको काफी अच्छा व्यूइंग एंगल मिलता है। सो जो न्यू ड्राइवर्स हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है ये। सो ये भी एक रीजन है इन कार्स के सडनली टॉप पे जाने का,
क्योंकि जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, एक बार को शुरू में उनकी आदत होती है कि वो बोनेट भी देखना चाहते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो वहां पर थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले हो जाता है और ये कार्स ना बजट फ्रेंडली हो जाती है। ये 12-13 लाख रुपए के आसपास आपको फीचर रिच कार मिल जाती है, बहुत सारी फीचर्स आ जाते हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं सेडान्स की बात करता हूँ, जो फुल साइज सेडान्स है, उनकी कॉस्ट ज्यादा है। अब इन कॉम्पैक्ट एसयूवी में ना आपका ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा होता है, इनकी मेंटेनेंस भी ना लाइक पॉकेट फ्रेंडली होती है। अब इनमें अगर मैं जैसे ब्रेजा की बात करूँ फ्रॉन्क्स की, तो वो आपको सबसे कम ऑफर करेंगी, उसके बाद थोड़ी सी कॉस्टली आपको लग सकती है ह्यूंडई की कार्स या फिर महिंद्रा टाटा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बहुत इजी टू मेंटेन है वर्सेस सेडान कार जो फुल साइज होती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी किन्हें लेनी चाहिए, आई होप आप फैक्टर समझ रहे होंगे कि जिन्हें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, जिनको कमांडिंग पोजीशन अच्छी चाहिए बैठने के बाद, जिनको रीसेल काफी अच्छी चाहिए, क्योंकि अब ना सेडान की मार्केट काफी गिर गई है रीसेल की। कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, इवन माइक्रो एसयूवी, फुल साइज एसयूवी, इन सारी कार्स की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्रेटा टाइप कार लें, विटारा टाइप कार लें, या फिर महिंद्रा की 300, ब्रेजा, नेक्सॉन लेके निपटारा कर दें। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स ये आते हैं कि अगर आप सेल्टोस, क्रेटा, विटारा की बात करते हो, एलिवेट की बात करते हो ना, तो इन कार्स को एक्चुअल में आप एसयूवी वाली वाइब के तौर पे ले सकते हो। मिड साइज कार होती है, इनकी लेंथ भी अच्छी होती है, 4300 mm की होती है, जबकि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना ये आपकी लाइक 4000 mm के आसपास ही होती है, 4 मीटर की कार्स होती है। नेक्सॉन भी आपकी 4000 mm की है, 4 मीटर की है, सारी 300, ब्रेजा, सारी 4 मीटर की कार्स ही हैं। इनमें डिफरेंस आता है कि भाई इनमें चौड़ाई काफी अच्छी मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है और हाइट काफी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपको रीसेल चाहिए भाई, अच्छा इंजन चाहिए, मिड लेवल की पावर प्रोड्यूस कर दे जो, सो यहाँ पर ना टर्बो इंजन भी स्टार्ट हो जाते हैं, 1.2 लीटर टर्बो मिल जाता है आपको, ब्रेजा में 1.5 लीटर मिल जाता है। सो अच्छी पावर प्रोड्यूस करके आपको यहाँ पर ये कार्स दे देती है। सो उन लोगों के लिए जिन्हें एसयूवी वाइब चाहिए, जो हैचबैक नहीं लेना चाहते, उनके लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि ये जो कार्स हैं, फॉर एग्जांपल हैचबैक्स हैं, स्विफ्ट, ग्रैंड i10, i20, इन तरह की कार्स का क्या करना है, जिसका वन ऑफ द मेन प्लेयर है बलिनो। बलिनो भाई एक ऐसी कार रही है जिसने काफी सेल करी है, बलिनो के ऊपर बेस्ड है फ्रॉन्क्स, बलिनो के ऊपर से ही निकली हुई अपनी ग्लैंजा। सो एक ही कार इतने अलग अलग रूप में बिक रही है, तो बलिनो इज अ मास्टर कार, मास्टर ब्रेन लगा रखा है उस कार के अंदर। अगर भाई बलिनो की सारी सेल कंपाइल कर दो ना, टॉप पे टॉप 3 में चली जाएगी सीधी। अगर फ्रॉन्क्स, ग्लांजा, बलिनो इन सबकी सेल आप काउंट कर लो तो टॉप पे चली जाएगी। अब दोस्तों हैचबैक कार्स किसके लिए होती है, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ये करूंगा कि जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं ना, देखो तरीका तो ये होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हो, आपने आज तक कार भगाई नहीं, चलाई नहीं, तो उसके लिए ना 1200cc कार भी काफी होती है। और पहले की जो 1200cc कार्स होती थी ना, वो 140-150 तक मैक्स जाती थी, उसके बाद थोड़ा सा बहुत वाइब्रेट करती थी इंजन या फिर आवाज नॉइज ज्यादा आती थी। आजकल की जो 1.2 लीटर कार्स आ रही हैं, जो मॉडर्न कार्स हैं, ये आराम से भाई 150-160 तक भी जाती हैं अगर आप तमीज से भगाओगे तो पावर की इसमें कोई कमी नहीं होती है। साइज वाइज भी ठीक है, बस ग्राउंड क्लियरेंस एक फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे। इसी वजह से टाटा पंच वायरल हुई थी, क्योंकि हैचबैक के प्राइस में ऐसी कार मिल रही थी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है और एक माइक्रो एसयूवी, यू नो, बाई बाई, और इसीलिए मैग्नाइट भी हिट हुई। अब ये दो कार जो है हैचबैक को कंप्लीट कर जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार मैग्नाइट लूं क्या करूं। अब वहां पे क्या है ना, 1000cc का इंजन है, इसके बारे में मैं सेपरेट बात करूंगा किसी दिन इंजन की, पर अभी हम डायमेंशन वाइज समझते हैं। तो हैचबैक्स उनको रेकमेंडेड है जो पहली बार कार ले रहे हो, क्योंकि जब आप पहली बार कार लेते हो ना, अब मुझे नहीं पता आप कितना फाइनेंशियली रेडी हो, आप कितना सर्विस पे पैसा लगाने के लिए रेडी हो, क्योंकि ये सबसे इजी टू मेंटेन कार्स होती हैं, इनका सर्विस में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता। सो सिंपल वे में ऐसे समझो कि हैचबैक की सर्विस कॉस्ट कम है, पार्ट की कॉस्ट कम है, माइलेज भी इनकी अच्छी ही रहती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की माइलेज एवरेज होती है, इनकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, पार्ट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जो फुल साइज सेडान्स हो जाती है उनकी तो भाई सबसे ज्यादा सर्विस पड़ेगी आपको, पार्ट की कॉस्ट महंगी पड़ेगी, माइलेज भी उनकी इतनी उस लेवल पे नहीं होती जितनी अच्छी आपको हैचबैक में मिल जाएगी या फिर आपको मिल जाएगी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो मैं ही रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप ना हैचबैक लो, अपना हाथ साफ करो, अच्छे से कार चलानी सीखो और सेफली कार चलाओ। दोस्तों मेरे पास खुद पोलो रही है, बीइंग अ हैचबैक कार, भाई पोलो एक ऐसी कार जो कहीं ले जाओ आप, इनफैक्ट बात पोलो की नहीं है, आप अगर पहाड़ों पे, हिल्स एरिया पे जाओगे ना, आपको हैचबैक्स दिखेंगी यार। स्विफ्ट, i20, i10, भाई ये कार्स भी हिल पे चढ़ने की पूरी पोटेंशियल रखती हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टू पावर रेशियो रहता है वो ठीक रहता है, साइज के हिसाब से 1200cc अच्छा परफॉर्म कर लेता है, 5 लोग बिठाकर भी चल जाती है कार। तो बिल्कुल आप ये मत समझना कि जो हैचबैक कार्स होती है इनका इंजन छोटा होता है, पावर कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बूट स्पेस भी ठीक ठाक होता है, 3 दिन का सामान आराम से कैरी कर सकते हो आप। तो देखो अब यहाँ पर ना कोई ऐसी रूल बुक तो नहीं है कि जो पहली बार लेगा वो हैचबैक ही ले, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी ना ले या फिर वो क्रेटा विटारा ना ले,
मैं जो अपना सजेशन दे रहा हूँ, मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता, मुझे आपका जो मेंटल स्टेटस है, लेवल है, आपका जो ड्राइविंग एटीट्यूड है, मुझे वो भी नहीं पता। क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है यार, कई बंदे सोचते हैं भाई मुझे अपने पे भरोसा है, मैं सीधी क्रेटा ही लूंगा और मैं पहले 2-3 महीने में सीख लूंगा, ठुकती है तो ठुक जाए, मैं ठीक भी करा लूंगा, पर मैं क्रेटा ही लूंगा। अब यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, राइट, आपका मेंटल एटीट्यूड बिल्कुल अलग है, सो बिल्कुल आप वो कार्ड ले सकते हो। पर कंपैरेटिवली अगर कोई ऐसा भाई जो सारा ही मोटा पैसा लगाकर अब विटारा लेकर आ जाए, अब उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी सही नहीं है, उस केस में तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझनी है कि भाई ये जो मैं कार ले रहा हूँ उसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ेगी, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, क्योंकि वारंटी के बाद जब लोकल मैकेनिक पे जाओगे ना, कार की शक्ल देख के पैसा मांगता है मैकेनिक आपसे, वो ये नहीं देखता कि आपकी शक्ल कैसी है, तो ये देखता है कि आप कार कौन सी लेकर आए हो। आप BMW लेकर जाओगे तो उस हिसाब से मुंह खोलेगा, आप होंडा सिटी लेकर जाओगे तो उस हिसाब से मुंह खोलेगा, आप टाटा नेक्सॉन लेकर जाओगे तो उस हिसाब से मुंह खोलेगा, और अगर आप स्विफ्ट लेकर जाओगे तो उस हिसाब से अपना मुंह खोलेगा कि इतना पैसा दो आप। सो फर्स्ट टाइम कार बाइंग सीरीज में ये आज की मेरी सेकंड वीडियो थी, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार आज मैंने एक वीडियो डाली जहां पर न्यू महिंद्रा XUV 300 में धुएं उठ गए, स्मोक उठ गए, आग लगने की सिचुएशन ऑलमोस्ट पहुंच गई, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल किसी को नहीं कहूंगा कि भाई अभी इस लॉट से आप 300 लो मत लो, आप अपना डिसीजन लो, इतना रेकमेंड करूंगा PDI ढंग से कराओ कार का, सोच समझ के फैसला लो। हमारे चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यूज, हर तरह की वीडियोस अवेलेबल होती है, तो सब्सक्राइब करे बिना दोस्तों मत जाया करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।